हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना मतलब 4:30 का अलार्म तो मेरा रहता ही है, जो लेकिन सेकंड वाला जो अलार्म होता है ना, वो मेरा 4:45 का होता है। तो जब 4:30 बजे अलार्म बजा तो मैंने सोचा कि चलो अभी 5 मिनट और थोड़ी सी नींद ले लेती हूँ। 5 मिनट के चक्कर में ना 15 मिनट हो गया, और एकदम से जब सेकंड वाला अलार्म 4:45 बजे का बजा तो मैं एकदम से ना फिर उठ के एकदम चल दी। मैंने कहा अब तो बिल्कुल लेटना बेकार ही है, वरना बच्चे हो जाएंगे स्कूल के लेट। तो मैं सबसे पहले आ गई हूँ बाहर। तो देखिए 4:45 बजे भी अभी ना थोड़ा सा अंधेरा ही रहता है, और फिर बस सुबह का जो बच्चों का खाना पीना था वो बन चुका था। लंच वगैरह तैयार करने के बाद मैंने लगा ली है मशीन, क्योंकि मुझे आज कपड़े धोने थे और कल हो जाएगा फिर थर्सडे, तो आज वेडनेसडे को कपड़े धोने हैं। और कपड़े धो मशीन तो चल रही थी, कपड़े धुल ही रहे थे, और साथ फिर जो मैं रात को बर्तन साफ़ करके सोती हूँ ना, किचन वगैरह, तो इस टोकरे में रख देती हूँ। बाकी जो नेक्स्ट डे है मॉर्निंग में, तब मैं ये इन बर्तनों को लगाती हूँ, ताकि इनका जो पानी अच्छे से निचुड़ जाता है। और मैंने ना रात को ऑयलिंग करी थी, तो मुझे ना इतनी गर्मी लग रही है, मतलब बालों में तेल लगा के इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, और भी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, मौसम बस ऐसे ही हो रहा है कि बारिश होती है और बारिश के बाद और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ऐसे में काम करना कभी भी हमारा नहीं, ऐसा होता नहीं है कि हम काम ना करें। हाउसवाइफ है, अपनी अपनी ना सबकी ड्यूटी होती है। तो अभी यहाँ पे बस बर्तन लग गए हैं और उसके बाद बना रही हूँ चाय। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप ही चाय पी लीजिए, सुबह की चाय, जो कि एक एनर्जी देती है हमारी बॉडी में काम करने की। तो चाय तो भाई हमसे नहीं छूट सकती। तो फ्रेंड्स, कपड़े भी धुल चुके हैं, और अभी जहाँ पे मतलब मशीन लगती है ना, पानी पानी हो जाता है जब हम कपड़े धोते हैं। तो मैं यहाँ पर ना पानी डाल के थोड़ा सा ना झाड़ू करके वाइपर कर देती हूँ, क्योंकि पानी से बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो जाता है। और कपड़े धोने के बाद यहाँ पे फिर सारे में सफाई करके, और उसके बाद जाऊँगी कपड़े सुखाने। उससे पहले ना मैं सोच रही हूँ बाहर का जो आंगन है गेट की साइड का, वो धो देती हूँ, क्योंकि अभी ना थोड़ी देर में पोलियो ड्रॉप्स की जो टीम है वो आने वाली है, क्योंकि हर मंथ ना हमारे यहाँ पे आते हैं, पोलियो ड्रॉप्स का कैंप लगता है, जो पिलाते हैं पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को, तो उसका कैंप लगता है हर महीने। तो अभी सबसे पहले सोच रही हूँ कि पहले वहाँ की सफाई कर देती हूँ, फिर अंदर की सफाई करूँगी। बस यहाँ पे झाड़ू मार के, वाइपर मार के ना, तो फिर मैं करूँगी पहले वहाँ की आगे की धुलाई, और फिर बाद में सुखाऊँगी कपड़े। और मेरा सारा काम हो ही चुका है, बस कपड़े सुखाना रह गया है, पोछा रह गया है, बस इतना सा ही काम बाकी मेरा हो चुका है सारा काम। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ की तो हो गई है साफ़ सफाई। ओहो, बारिश भी हो गई, कपड़े उतारूं कि नहीं? वैसे तो हवा चल रही है,
शायद बारिश ना आए। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने कपड़े डाले ही थे, आधा घंटा हुआ था मुझे कपड़े डाले। अब सोच रही थी कि नहा लूँ जाके, लेकिन नहाने से पहले मुझे मौसम ख़राब दिखाई दिया कि ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा कि कभी मैं नहाने जाऊँ और कपड़े मेरे सारे भीग जाएं, तो बस मैं मौसम को ही देख रही थी। मैंने कहा हवा चल चुकी है, अब शायद ना बारिश हो, लेकिन बारिश तो ऐसी हुई कि मतलब मेरे को कपड़े उतारने भी मुश्किल हो गए, और सारे कपड़े जो मेरे थोड़े थोड़े सूख भी गए थे ना, वो सब दोबारा से गीले हो गए, और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ। अगर मैं बाहर पहले आंगन नहीं धोती और पहले कपड़े सुखा देती तो मेरे सारे कपड़े मतलब सूख जाते। पहले तो मतलब जब मैंने मशीन लगाई थी ना तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से ही मौसम इतना ख़राब हो गया, और बस इसी वजह से ना मैं थोड़ा काम करने में हो गई हूँ लेट। और अब जाके मैं नहाई हूँ, सिर भी धोया है क्योंकि बारिश में सारे बाल मेरे मतलब गीले हो गए थे, तो मैंने सोचा बारिश का पानी है तो फिर मतलब बाल भी धो ही लेती हूँ। और बस अभी यहाँ पे फिर ना मैं अभी मैंने बाल में से तौलिया भी नहीं हटाई है, और मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना और उसके बाद जब नहाते हैं, जब तक नहीं नहाते हैं जब तक भूख नहीं लगती, लेकिन जब नहा कर आते हैं ना तो फ्रेंड्स फिर तो मेरे से रुका नहीं जाता बिल्कुल भी। मतलब कुछ भी चाहिए, चाय, नमकीन या कुछ भी ऐसा हो जिससे थोड़ा सा सब्र आ जाए। तो बस मैं आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बिंदी ही लगाऊंगी। वैसे भी मैं बिंदी लगाती हूँ और सिंदूर लगाती हूँ, ये मेरे डेली का है, और आज अभी सिंदूर नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी बाल गीले हैं मेरे, और अभी तौलिया भी नहीं खोलूंगी बालों में से। तो ले आई मैं सबसे पहले अपना खाना, तो दोपहर ही हो चुका है मेरा, अधिकतर ना जो ब्रेकफास्ट है वो मिस हो जाता है मुझे, दोपहर ही हो जाती है, मतलब दोपहर के 12-11:30 ऐसे ही हो जाता है। तो फिर मैं जब ही एक साथ ही खाना नाश्ता जो होता है वो मैं खा लेती हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो भिंडी की सब्ज़ी में ना मैंने बहुत सारी हरी मिर्च डाली, प्याज डाली, एक टमाटर डाला, तो मुझे इस तरीके की भिंडी अच्छी लगती है और मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। बट आज की जो भिंडी है ना वो मम्मी को थोड़ी सी स्पाइसी लग रही थी, वो कम खाती हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स मेरी जो सब्ज़ी होती है ना, मैं आपको बताऊँ, मैं स्पाइसी सब्ज़ी तो बनाती हूँ, लेकिन मेरी सब्ज़ी में लाल मिर्च कम होती हैं और हरी मिर्च ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लाल मिर्च ना नुकसान देती हैं, लेकिन मैंने सुना है कि हरी मिर्च जो हैं वो इतना नुकसान नहीं देती हैं आँखों के लिए, हरी मिर्च भी ही बताते हैं सब। तो मेरी सब्ज़ी में ना सब कहते हैं कि बहुत मिर्च खाते हैं इनके बच्चे, बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी सब्ज़ी बनाती है। तो मैं आपको बता ही रही हूँ इसीलिए कि मेरी सब्ज़ी में लाल मिर्च नहीं होती है हमेशा, अगर मैं पेस्ट भी बनाती हूँ तो हरी मिर्च का पेस्ट बनाती हूँ, तो बस इसीलिए मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी स्पाइसी होती है। और लाल मिर्च तो मुझे वैसे भी खुद नहीं इतनी ज़्यादा अच्छी लगती, तो लिमिट ही डालती हूँ मैं। अभी फ्रेंड्स बस थोड़ी देर लेट गई थी और बच्चों को नाश्ता वास्ता सॉरी खाना खिला के, मतलब वॉइस ओवर करते करते ना मतलब कहाँ से कहाँ बात बोल देते हैं, तो सॉरी फ्रेंड्स इस चीज़ को इग्नोर कर लीजिएगा। तो अभी बस बच्चे जब चले गए थे ट्यूशन, और उसके बाद मैंने ये हरी मिर्च ली थी, ककरौंदे लिए थे, क्योंकि बारिश के दिनों में ना ये हरी मिर्च छाए और नमक की रोटी में आपसे कह रही थी ना बहुत अच्छी लगती है, तो बस मैं इनको छौंक रही थी। और ये जो रेसिपी है ना ये मेरी मम्मी की बताई हुई है, मतलब वो ना इतनी मिर्च छौंकती थी कि मतलब उनकी मिर्च एकदम फेमस थी, जो खा लेता था ना उनकी मिर्चों का फ़ैन हो जाता था। तो उन्हीं से मैंने ये मतलब मिर्च बनानी सीखी थी अपनी मम्मी से, मतलब कोई भी ये नहीं कहता था कि हाँ ये मिर्च मतलब हमें अच्छी नहीं लग रही, चटपटी हैं, पता नहीं किस तरीके से वो बनाती थी, और उनकी बनाई हुई तो थोड़ी कोशिश करती हूँ। तो गाइज़ आज मुझे ना ये कुछ नमकीन वाला जो ढोकला होता है ना वो बनाने की सोच रही थी, नमकीन का नाश्ता है वैसे तो ये, ढोकला नहीं कह सकती। तो कुछ देर पहले ना मैंने इसको हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और सूजी और बेसन मैंने डालकर इसको घोल बना के एकदम स्टीम करने के लिए रख दिया था, जैसे हम केक के लिए रखते हैं। तो ये फिर ना मैं उसके बाद जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको कट कर दिया, तो बहुत ही अच्छा स्पंजी से बने थे ये। और ऐसा नाश्ता बनाने के लिए मैं कई बार सोच रही थी कि बनाऊं, तो अभी मैंने ये बना लिया था ठंडा होके, मैंने इसके कट भी कर दिए, पीसेस कर दिए हैं। तो अभी मैंने इसमें सरसों और करी पत्ता, हींग, इनसे छौंकूंगी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था नाश्ता, ये भी मतलब कह रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चाय से खाते हैं। और ये है करी पत्ता जो कि मैंने धोकर गैस पर रख दिया था, मतलब प्लेट में नहीं रखा था, गैस पर रख दिया था। तो अभी बस कड़ी पत्ता और जो सरसों है वो छटक गई है, अच्छे से हो गई है,
उसके बाद मैंने ये डाल दिए हैं बेसन का जो बनाया है मैंने नाश्ता, हेल्दी नाश्ता होता है अच्छा। तो ये जो मैंने घोल बना के जो बनाया था ना स्टीम करके, तो मैंने रात को ही बना कर रख दिया था, बस अभी मैंने इसको फ्राई करा है नेक्स्ट मॉर्निंग, और अब देने जा रही हूँ इनको, क्योंकि अभी ये चाय के साथ खाएंगे, और अपने लिए और मम्मी जी के लिए मैंने रख दिया था। रात तो इतना टेस्टी नहीं लग रहा था, लेकिन अभी जब मैंने बनाया ना तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और थोड़ी सी ना देखिए इतनी सी मैं लाल मिर्च डालती हूँ, तो लाल मिर्च डालने से और भी टेस्टी हो जाएगा ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी बनकर हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सो गाइस ये यम्मी नाश्ता बनके तैयार हो गया है, आप भी बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फिर किसी दिन इसकी रेसिपी आपके साथ पूरी तरीके से शेयर करूँगी, और बस अभी इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप कहाँ से कौन सी सिटी से देख रहे हो मेरे व्लॉग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वाकई में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब ले लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।